नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि दीर्घवृत्त के ऊपर आधारित है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, दीर्घवृत्त 3x² + 4y² = 12 की उत्केंद्रता, नाभिलंब एवं नाभियों के निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम दीर्घवृत्त का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है दीर्घवृत्त का स्टैंडर्ड फॉर्म, यही तो होता है x² / a² + y² / b² = 1, इस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखो लिखो इसको आप, ये जो ऐसे दे रखा 3x² + 4y² = 12 है, तो क्या करेंगे, इधर तो 1 रहना चाहिए, राइट साइड में तो क्या रहना चाहिए, 1। तो 1 12 का भाग लगा दो आप, तो 3/12 x² + 4/12 y² = 1 आ गया। क्लियर। अब यहाँ से देखो, दिस इंप्लाइज 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x² बटे कितना आ गया 4, और ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो y² बटे 3 = 1 आ गया। कोई दिक्कत है कि इसमें, बताओ। अब देखो यहाँ इसको और इसको कंपैरिजन करो, इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, तो दिस इंप्लाइज करके आप लिख सकते हो a² की वैल्यू क्या आ गई 4, और b² की वैल्यू कितनी आ गई 3। कोई दिक्कत इसमें। क्लियर। अब देखो जो कह रहा है वो देखो इसको, इसकी उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, तो इसकी उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो उसको लिख लो, b² = 2a² - 1 - e², और जहाँ e क्या है, <1 होता है। क्लियर। अब ये तो दिखाई दे रहा होगा ये फॉर्मूला। देखो अपने पास b² की वैल्यू पता है हमें, a² की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू यहाँ रखो और तो ई में आ जाएगा, तो b² की वैल्यू 3, a² की 4, 1 - e², तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी। देखो 3/4 कर दो, 3/4 = 1 - e², 1 को इधर ले आओ, तो कितना आ गया, दिस इंप्लाइज 3/4 - 1, 3/4 - 1 = - e², तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो e माइनस का e स्क्वायर कितना आ गया, बराबर 4 LCM लेंगे तो कितना आ गया, ए माइनस का e/4, तो माइनस माइनस से माइनस कट गया, तो e स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 1/4। तो यहाँ से देखो e की वैल्यू कितनी आ गई, e की वैल्यू आ गई +-1/2, तो दिस इंप्लाइज करेंगे e = आएगा 1/2, क्योंकि जो सेंट्रिसिटी है वो हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव। क्लियर। तो ई क्या आ गया हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। अब देखो नाभिलंब, नाभिलंब पहला तो ये हो गया इसेंट्रिसिटी, दूसरा आएगा नाभिलंब, दूसरा नाभिलंब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैटस रेक्टम। तो देखो पिछले वीडियो लेक्चर जो आपने देखा हो उसमें हमने नाभिलंब ज्ञात किया था, किसका, इलिप्स का। तो वो क्या आ रहा था प्यारे छात्रों, बताओ आप ही, 2b² / a आ रहा होगा। क्लियर। तो 2b² की वैल्यू कितनी है, b² की वैल्यू 3 है, 2b² की वैल्यू 3/a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, दिस इंप्लाई a बराबर +-2, तो यह पॉजिटिव वैल्यू ले लो a की, कितना आ गया, क्योंकि लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो 2 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ले लेते हैं, यहाँ से हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। क्लियर। तो ये 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो नाभिलंब की लंबाई कितनी आई, 3 आ गई। कितनी आ गई नाभिलंब की लंबाई, 3। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, नाभि के निर्देशांक, किसका, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक। तो भाई कैसे याद करेंगे नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, बताओ आप ही, यदि आपको दीर्घवृत्त दिया गया है तो नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, AE 0, और दूसरी क्या नाभि होगी, एक पॉजिटिव होती है एक तरफ, एक तरफ नेगेटिव। क्लियर। यही तो होती है नाभि के निर्देशांक कोऑर्डिनेट। तो देखो आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू पॉजिटिव 2, ये लो 2। ई की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये लो रख दो 1/2, ये 0। क्लियर। क्लियर है, 1/2 0, तो दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, यहाँ कर देता हूँ। क्लियर। तो देखो
ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए की वैल्यू तो दो, दो गुणा ई की वैल्यू 1/2 0, और दूसरे नाभिक के -2 × 1/2 और 0। तो नाभिक के जो निर्देशांक है वो क्या आ गए, 1 0 और -1 0। क्लियर? तो ये तो हमारा आ गया नाभिक के निर्देशांक। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आ जाए तो हम आसानी से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे। कई बार देखो भैया ऐसे भी आ जाएगा, 3x² + 4y² - का y = 2 + 5 = 0, इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप क्या करो, उस पूरी जो इक्वेशन है एक तरफ x² लो और दूसरी तरफ y² के टर्म लो, अर्थात जो y के रूप में आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो ये होता है इसे हम कंपेरिजन करते हैं और उसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं, और वही हमारे जो भी हमें पूछ रहा होगा वो हम उसको बता देते हैं। क्लियर? तो प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।